उत्तर भारत को फिलहाल 5 दिन के लिए भले ही शीतलहर से राहत मिलती दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख से लेकर हिमाचल तक जमकर बर्फ गिर रही है। पहाड़ी इलाके और रास्ते सफेद चादर से ढक गए हैं। पहले ही माइनस में पहुंच चुका पारा और ज्यादा लुढ़क गया है। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम का नजारा देखते ही बन रहा है। केदारनाथ धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जम रही है। केदारपुरी में सभी होटल और धर्मशालाएं भी बर्फ से ढकी हुई हैं। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हो और यहां किसी भी प्रकार की चहल पहल न हो, लेकिन केदारपुरी में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें हर किसी का मन मोह रही हैं। देखिए, केदारनाथ धाम में चूंकि काफी बर्फबारी हो चुकी है और बर्फ जमी भी है, तो जो निर्माण कार्य है वो हमारे अभी स्थगित किए गए हैं टेम्परेरीली। और जैसे ही अगले महीने फरवरी एंड में या मार्च में जैसे मौसम थोड़ा अनुकूल होता है, तो हमारे सभी निर्माण कार्य होने शुरू हो जाएंगे। और इस बीच वहाँ पर हमारी ITBP की और पुलिस की टीम्स हैं, जो कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था आदि देख रहे हैं। तो हमारे जवान वहाँ पे व्यवस्थित हैं, उनके लिए भी उनका भी वहाँ पे जो रहने की जो व्यवस्था है, भले वो बिजली की व्यवस्था हो या नेटवर्क की व्यवस्था हो, उसका भी हम लोग संचालन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं और बताती हैं कि ये बर्फ आगे चलकर ठंड को और बढ़ाएगी। ना सिर्फ मैदानी इलाकों को ठिठुराएगी, बल्कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों और वहां जाने वाले सैलानियों के लिए मुसीबत भी बढ़ाएगी, क्योंकि बर्फ गिरने से जगह जगह रास्ते बंद होने लग गए हैं। सब कुछ जम जाने से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है, जिससे परेशानी बढ़ने लगी है। वहीं शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जगह जगह कोहरा होने की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उत्तर रेलवे की 16 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। खैर, आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि ये ठंड कितना और डराती है।